मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिंदी विद राघवेंद्र राठौर। शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन हिंदी में, आसक्त का विलोम विरक्त, या यहाँ पर होता अनासक्त। क्या होता? अनासक्त। अगर यहाँ अनासक्त होता तो भी ये आसक्त का विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभक्त, बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द है, बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द होता है अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, मन जमीन पर पैर न रखना, पैर न पड़ना। यहाँ पर क्वेश्चन और है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कटा हुआ है, आयु में बड़े व्यक्ति को हम बता देते हैं ऐसे, आयु में बड़े व्यक्ति को कहते हैं अग्रज, और छोटे को कहते हैं अनुज। दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट है जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, कल्पनाशील, थक जाना, नाजुक होना, अभिमानी होना। अब इनमें से सही ऑप्शन क्या जाएगा? सही जाएगा डी, यानी अभिमानी होना। जमीन पर पैर न रखने का मतलब हो गया है अभिमानी होना। कल्पनाशील ये होता है ख्याली पुलाव पकाना। क्या होता है? ख्याली पुलाव पकाना, ठीक, ये कल्पनाशील होता है। इसके बाद में और दिया है थक जाना, इसका होता है अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है थक जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुहावरे हमने सभी बता दिए आपको। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या करेगा, अनुशासित करेगा कि प्रचारित करेगा कि संतुलित करेगा कि प्रभावित करेगा। जब भी तरीका होगा तो वो हमें प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा की ओर जोर से, अब क्या गुमराह होगी कि उमड़ पड़ी, भनक पड़ी, क्या होगा, गरज पड़ी? तो इसमें क्या होगा, जब भी उमड़ने की बात करेंगे जोर से उमड़ पड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब यहाँ पर वाक्य का उदाहरण क्या है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यहाँ पर वाक्य कैसा है, दो वाक्य, यद्यपि मोहन धनी एक वाक्य हो गया, दूसरा ये है बहुत दुखी है, तो ये वाक्य कैसा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, देखिए किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर किए, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर दिया, उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। चार विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है, शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर एक जाएगा, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। छात्रावास में कौन सी संधि है, संधियों का मेरा वीडियो जो है उसको अगर आप देखेंगे तो देखते देखते आप संधि टिक करेंगे। मैंने बताया था बड़े आ का डंडा, देखिए छात्रा बीच वाले अक्षर पे बड़े आ का डंडा है, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ, सीधी ट्रिक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सीधा दीर्घ। अब देखिए नेक्स्ट है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, पवन। अब ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन, संधि का वीडियो एक बार आप देख लीजिए, सारी समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगी। पो धन अन तो पवन हो जाएगा, और पाप औ की मात्रा हो जाएगी, पौ होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता पावन, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही चला जाएगा। राजपुत्र में समास, राजपुत्र में समास, अब देखिए राजपुत्र में समास कौन सा है,
द्विगु है, द्वंद है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। तो इतना तो खैर आप लोग सभी लोगों को पता है कि राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बता रहे कौन सा तत्पुरुष है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जहां पर का शब्द छुपा होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। तो राजा का पुत्र कैसा हो गया? संबंध तत्पुरुष। कारक चिन्ह इसमें लुप्त होता है, जहां कारक चिन्ह लुप्त होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चवन्नी में कौन सा समास है? चवन्नी में कौन सा समास पाया गया है? चवन्नी, सीधी सी बात है, चवन्नी का मतलब चार, गिनती आ रही, जहाँ पर गिनती आती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है दुल्हनिया, अंगिया काहे न धोबाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार का भी वीडियो मेरा बहुत अच्छी तरीके से विधिवत पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? दुल्हनिया अंगिया काहे न धोबाई पंक्ति में क्या होता है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर केवल उपमान में वर्णन से सिर्फ उपमेय का बोध कराया जा रहा है, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब यहाँ पर दिया है हमें पैराग्राफ, प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, प्रेम की भाषा है, ये दिया साफ साफ शब्द रहित। क्या दिया है हमें? दिया है शब्द रहित, ऑप्शन है कहीं पर शब्द रहित, डी चला जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, शब्द रहित। ठीक है, अगला है अरण्य का शाब्दिक अर्थ है। अरण्य, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अरण्य ये इसका तो शाब्दिक अर्थ तो आपको गद्यांश को बिना पढ़े पता होना चाहिए। तो अरण्य मन होता है जंगल, विपिन, वन, और कालांतर भी, कांतर भी होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? इसमें देखिए शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, उपन नहीं होता है। अगला है यत्न से क्या आशय है? यत्न, यत्न मीन्स होता है प्रयास, यत्न का आशय है प्रयास। तो ये रहे हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसी के साथ अंग्रेजी देखते हैं। देखिए रूल्स गवर्निंग सोसाइटी एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी, इटिक्वेट। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। ए पर्सन हु इज इजली डिवेजेड डिसेबल्ड और ट्रिकेट, जो आसानी से डिगाया जा सके, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया ठगा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये होता है गुलीबल, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो करेक्ट स्पेलिंग देखिए प्रेडिलेक्शन किसकी जा रही है? 66 का डी जा रहा है। इसके बाद में रेस्टोरेंट, 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 यहाँ भी डी जाएगा, रेस्टोरेंट सही ऑप्शन। नेक्स्ट है रेसिस्ट, रेसिस्ट का अर्थ है, इसका मतलब होता है विरोधी, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है इसका विलोम, विलोम इसका क्या हो जाएगा? एल्ड। ठीक है, एल्ड मीन्स होता है अधीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही रिपीट हो रहा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी रिचर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन हॉल टिकट हॉल इन द सॉरी इन द हॉल नाइट टाइम। नाइट टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, नाइट टाइम मतलब जस्ट, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी डाउन टू अर्थ, टू बी डाउन टू अर्थ मतलब क्या हुआ है? कि जो वास्तविकता या तथ्यों पर आधारित हो, तो ये हो जाएगा टू बी रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी चला, दोनों के सेम अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गवर्नमेंट। अब इसमें पूछा गया है जो गवर्नमेंट है इसका अर्थ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पारखी होता है ये, और यही अर्थ क्या होगा, यही अर्थ इसमें किसका होगा, यही अर्थ इसमें होता है गैस्ट्रोनोम का, ठीक है, तो सेम अर्थ ये हो गया। अगला है वोकेशन, वोकेशन माने होता है जीविकोपार्जन का साधन या व्यवसाय, ये होता है अकोप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 पर हम पहुँच रहे हैं। हिज डिटर्मिनेशन वाज नॉट सुक बाई व्हाट पीपल सेड। अब इसमें हम क्या करेंगे 73 में कि जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें बास नाट सुख अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब है कि जो दृढ़ निश्चय हो डिगे ना, यहाँ पर उसका क्या करेंगे, यहाँ पर जो बास नाट सुख है वो सीधी सी बात है जो बास नाट सुख दिया गया है और यहाँ बाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पैसिव है, और पैसिव में हमेशा क्या, सॉरी इस पैसिव में हमेशा क्या होता है थर्ड फॉर्म से लगता है, तो ये सुकेन हो जाएगा, वाज नॉट सुकेन है इसमें कहीं पे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा सुकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट वेलिबेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आई कैन नॉट वेलिबेट फॉर माई बर्थडे, यहाँ बाक वर्ली में पहले नाट का प्रयोग गलत किया गया है, क्योंकि वर्ली का अर्थ होता है मुश्किल से, और यहाँ पर जो शब्द है इसके साथ कभी निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे नाट को हटा देंगे, क्या हटा देंगे, नाट को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आई कैन वर्ली वेट, ऑप्शन नंबर डी 74 का चला जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की ओर हम रुख करते हैं। देखिए द कमांडर सेड लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन, कमांडर ने कहा लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन, ठीक है, इसमें कमांडर ने कहा है कि गेट को जो है वो खुला छोड़ दीजिए, खुला रहने दीजिए, आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर इम्परेटिव वाक्य लेट लगा हुआ है, आदेश दिया है, इसमें क्या करना है, द कमांडर ऑर्डर दैट गेट विल बी लेफ्ट ओपन, ये तो नहीं हो पाएगा भाई 75 का सही। इसके बाद में द कमांडर ऑर्डर दैट लेट बी गेट, ये भी गलत, द कमांडर वांटेड तो सीधी सीधी गलत हो जाएगा, वांटेड लगा है, द कमांडर ऑर्डर्ड फॉर, बिल्कुल फॉर का प्रयोग होता है लेट हटा करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट नो एरर, इसमें या तो ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है, इन तीन में से कोई या फिर कोई एरर नहीं है, ये पता करना हमें, तो इसमें कौन सा पोर्शन गलत है ये पता करना है, तो इसमें टेंस की गलती है, भूतकाल में जो दो कार्य होते हैं तो पहले वाला जो कार्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, ये आपको पहले पता है, और जो बाद वाला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है, यहाँ ही लेफ्ट के स्थान पर ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट दिया हुआ है जो, यहाँ पर ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चला जाएगा सी वाला ऑप्शन, यही वाला गलत चला जाएगा, ठीक है। अगला 77 की ओर रुख करते हैं, इसमें दिया है इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप एट टिकट एंड हैव टू पे फाइन नो एरर, इसमें क्या गलत है ये पता करना है, यहाँ पर क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस है ये, और कंडीशनल सेंटेंस में जब भी कोई स्थिति आती है, कंडीशन की बात आती है, तो निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना भी जताई जा सकती है, ऐसे में पहला वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, इस नियम के अनुसार क्या करेंगे, जो वाक्य सी है इसमें हम जो है गलती देंगे एंड हैव टू पे फाइन, एंड हैव ने दे विल बी स्टॉप एट टिकट एंड फाइन, अब हैव टू पे फाइन के स्थान पर क्या कर देंगे विल हैव टू पे फाइन, तो इसलिए हमारा
यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैव की जगह पर क्या कर देंगे, एंड बिल हैव, एंड बिल हैव टू पे फाइन हो जाएगा। अब देखिए 78, द मिज़ोगिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉ लेडी डॉक्टर एंड हाउसेस मैन, नो एरर। इसमें भी हमें एरर ढूंढना है 78 में। मदर इन लॉ की जगह पर मदर इन लॉ का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें नाउन का प्लूरल सदैव रूट वर्ड से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, बी वाला, मदर इन लॉ की जगह पर मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब यहाँ पर बात हुई इट इज़ द टाइम टू वाटर द प्लांट, यहाँ पर वाक्य में एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया है और इसमें परिवर्तन करने, इट इज़ टाइम क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम, तो आप हमारा कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द प्लांट टू बी वाटर्ड। अगला है नेक्स्ट, हु गेव यू मनी, आपको किसने धन दिया, हु वाज गिवन। अब इसमें क्या करना है 80 में, ये भी वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए क्या हो जाएगा, हु को बाई हुम कर देंगे, वाक्य बना देंगे, सीधा सीधा बन जाएगा, बाई हुम वर यू गिवन द मनी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव का एक क्लास हम अलग से बना देंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का विधिवती एक पूरी क्लास रख देंगे, तो आपको उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। चलिए तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए, बा मुश्किलन 15-16 से।